हाँ जी गाइस, तो कैसे हैं आप सब। एक वापिस से नई सफर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय सुबह के बज रहे 7 और मैं हूं फिलहाल आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पे। और आज की जर्नी हम करने वाले ट्रेन नंबर 12820 उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, जो कि आनंद विहार से भुवनेश्वर के बीच में चलती है। और आज की जर्नी आपका भाई फिर से करने वाला है जनरल कोच में, क्योंकि भाई साहब स्लीपर में यार टिकट ही नहीं मिल रहा है यार। अब जाना जरूरी है यहाँ से, इसलिए सोचा कि चलो जनरल से निकलता हूँ। देखिए आज की जर्नी में क्या होती है, क्योंकि इसमें जनरल कोच मात्र 2 है, एक आगे की और एक पीछे की ओर। अभी तक जो मैंने देखा अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अभी अनाउंसमेंट बस हुई है कि 5 नंबर पे अपनी ट्रेन लगाई जाएगी थोड़ी देर में, 8 बजे यहाँ से डिपार्चर टाइम है। चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं ट्रेन आने के बाद। तो गाइस आ चुकी है अपनी ट्रेन यहाँ पे, उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। WFP 7 के साथ आई है। और ये देखिए, चलिए हम भी चढ़ते हैं भाई साहब ट्रेन में। देखो भीड़ यार, जनरल में सीट मिलने का खुशी एक अलग ही टाइप का रहता है। और देखिए एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी जनरल कोच में अगर आपको सफ़र करना है तो उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर बकाइएगा तो भाई आप खुद को इंजर्ट कर लीजिएगा। अभी मतलब सीट लूटने के चक्कर में एक महिला गिर गई थी, चोट तो नहीं लगा, मगर एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे पहली बात, सीट अपना मतलब रिजर्व करने का ध्यान दीजिएगा। कभी भी सीट के ऊपर कुछ फेंक फाँक दीजिएगा ताकि आपकी वो सीट हो जाए, फिर अदर कोई वहाँ पर नहीं बैठेगा। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो ट्रेन बिहार नहीं जाती है ना, जिसका स्टॉपेज बिहार में नहीं होता है, वो ट्रेन भाई साहब मतलब भीड़ उतनी नहीं जाती है, ठीक ठाक आपको उसमें सीट मिल ही जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अपने को जर्नी करनी है यहाँ गोमो तक, मतलब यहाँ से जब ट्रेन निकलेगी आनंद विहार से, तो उसके बाद कानपुर, फिर मुगलसराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, और उसके बाद डायरेक्ट इसका स्टॉपेज है आपका गोमो में। तो मतलब ट्रेन की स्टॉपेज बिहार में नहीं होने के कारण देखिए ट्रेन में उतना भीड़ तो नहीं है, सीट आसानी से सभी को मिल जा रहे हैं। हाँ, भागा दौड़ी कीजिएगा तो उसमें आपको चोट लगे, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। 8 बजे अपने ट्रेन का डिपार्चर टाइम है, चलिए डिपार्चर आप सभी को दिखाते हैं। और अब 4 नंबर पे ना नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस लगी हुई है, इसका 7:40 में यहाँ से डिपार्चर टाइम है। चलिए डिपार्चर तो हो गया है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का। प्लेटफॉर्म नंबर 4 एकदम एग्जैक्ट टाइम पे निकली है ये ट्रेन। बिल्कुल ऑन टाइम 8 बजे अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है आनंद विहार के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। आप टाइम भी देख सकते हैं एकदम। अपनी कंडीशन जनरल कोच की यार विश्वास हो रहा है देख करके, मतलब कि कोई भी खड़ा नहीं है, सबको प्रॉपर हमें सीट मिल चुका है। तो ये फ़ायदा है अगर बिहार में अगर ट्रेन ना रुके तो, देख सकते हो। और अपना सीट जो है यही है, बस गेट के बगल वाला। अपने निर्धारित समय 8:10
और वो देखिए प्लेटफॉर्म नंबर एक पे सीमांचल एक्सप्रेस खड़ी है जो कि आनंद विहार से जोगबनी के बीच में चलती है। गाइस हम स्किप करें साहिबाबाद, मुझे लगा स्पीड में क्रॉस मतलब स्किप होगा पर बहुत स्लोली स्लोली चल रही है, कहीं रुक ना जाए। मौसम जो यहाँ का ठीक ही है, बारिश हो रही है, थोड़ी सी बारिश हुई तो दिल्ली में बाहर आ गया यार, क्या बारिश हो गई यहाँ। देखिए अभी भी बादल छाया हुआ है पूरा। साई बाबा गाज़ियाबाद अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है, कन्फर्म नहीं बता सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो गई, हो सके यहाँ रोक दे पर स्टॉपेज नहीं है यहाँ पे। पूरी सब्जी बिक रहा है 20 रुपये, चाहिए चाहिए बस आपको सुविधा जनरल कोच में ही देखने को मिलेगा। स्किप कर रहे हैं गाज़ियाबाद स्लोली स्लोली। वाइफ के साथ करीब रथ बनारस आनंद विहार गरीब रथ भाई साहब ये भी बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी LHP कोच में। तेजस एक्सप्रेस
आज ही आया है, पैसा दे दो कल चलेगा, पूरा हम आने तो कोई भी आता है नहीं। तो भाई अभी हम स्किप कर रहे हैं दादरी स्टेशन, कोई तो ट्रेन बता रही है काफी स्पीड, और देखो इधर बारिश हुई है यार। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट में मैं लेकर आया हूँ आज घर से ब्रेकफास्ट कर लीजिए या लंच कर लीजिए, दोनों इसी से हो जाएगा। तो देखिए ये कचौरी और पूरी है, पूरी के साथ भुजिया भी है। तो इसी से करते हैं आज की ब्रेकफास्ट। चुके 10:25 और अपना नाश्ता हो चुका है, और अभी जो अपनी ट्रेन है ना खड़ी है मुंडला जंक्शन के बस थोड़ा सा 2 किलोमीटर इधर किसी ट्रेन का शायद क्रॉसिंग होने वाला है। चलिए देखिए आप, मेमो ट्रेन है, देखो भाई साहब बारिश इतनी हुई है ना इधर पूरा खेतों में पानी भर गया है, बारिश शुरू हो गई है यार, बहुत मस्त क्या मौसम है यार। लेबर खाया पिया पाना से भाई सेमती कहले भी छाड़ दे तो जनरल में भी टिकट चेक होगा। सही है, ये वाला सिस्टम देख रहे हैं।
427 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का पहला होल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड है CNB, और यहां पर अपनी ट्रेन का होल्ट है 10 मिनट का। भाई साहब यहां कानपुर में आने का इसका टाइम था दोपहर का 1:35 पे, और अपनी ट्रेन आई है 35 मिनट डिले से 2:10 पे। कानपुर पे भाई साहब अपनी ट्रेन का 10 मिनट का होल्ट है इसलिए क्योंकि यहाँ पानी वानी भर आ जाएगा। और हाँ, यहाँ से थोड़ा भीड़ अपने ट्रेन में कोच में होने वाली है। और दूसरी बात ये है कि कानपुर से पहले अपनी ट्रेन में उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में जो है ना अपना ऑर्डर ले लिया जाता है और उससे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हाँ, और एक बात है ये है, ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1783 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 11 होल्ट के साथ और 28 घंटे में। काफ़ी कम होल्ट के साथ ये ट्रेन चलती है। जैसे डिपार्चर हो रहा है झारखंड संपर्क क्रांति का, रांची से जो आनंद विहार के बीच में चलती है। दस मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया सारे सेंट्रल से। धीरे धीरे छाए जा रहे हैं, लग रही है बहुत जोरों की बारिश होने वाली है कुछ ही देर। अब से कुछ ही देर में हमें मिलेगी जोरों की बारिश देखने को। भाई ये तो मेरा गेसिंग है, अब कितना परसेंट सच होता है वो आगे पता चलेगा। फिलहाल अपनी ट्रेन 130 की रफ्तार में चल रही है, नो डाउट मैनेज कर लेगी। 35 मिनट जो डिले हुई है मैनेज कर लेगी आगे। यहाँ पे जोरों की बारिश हो चुकी है, 100% मेरा ये सही हुआ। ओ माई गॉड, क्या ही बारिश है भाई साहब। ओ माई गॉड, वाह वाह क्या बात है, ये देखो।
बारिश के बूंदे के छींटे आ जाते हैं। यहाँ पे जोरों की बारिश शुरू हो चुकी है भाई, बारिश के बूंदों के छींटे पूरे आ रहे हैं। काले काले बादल और ऊपर से बारिश और अपनी ट्रेन भी पूरी रफ्तार में एकदम। दूर दूर तक बस हरियाली, और अभी ये जो मौसम चल रहा है ना, इसमें शायद धान की खेती होती है, वो धान रोपा हुआ है अपने सबसे दूर दूर तक। क्या मौसम भाई साहब, क्या मौसम भाई साहब, गजब की बारिश हो रही है यार। अपनी ट्रेन 130 की रफ्तार में आ रही है, और भाई साहब क्या ही बारिश हो रही है यार।
शाम के 7 बज चुके हैं और अपनी ट्रेन जो है अभी चुनार जंक्शन पे रुकी हुई है, जबकि यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है, फिर भी रुकी हुई है यहाँ 5 मिनट तकरीबन। देखो चाय वाय तेरा बिक रहा है यहाँ पे, शाम के नाश्ता में बहुत कुछ बिक रहा है, समोसा चाय वगैरह बिक रहा है यहाँ, 20 में 4 समोसा बिक रहे भाई साहब यार। फिर भी देखते हैं आगे मुगलसराय में कुछ खाया जाएगा, शाम तो हो गया है। देख तकरीबन 20 मिनट के बाद में ट्रेन निकल रही है चुनार जंक्शन से, बिना स्टॉपेज का रुक जा रही है भाई। भाई जितनी वीर है मुगल सराय में उतर आगे और फिर यहाँ पे लोग चलेंगे भी। ये खाना अंडे चावल छोले चावल 764 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी ट्रेन का दूसरा होल्ट पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DDU और अपनी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का होल्ट है। भाई साहब अपनी ये भुवनेश्वर उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस यहाँ पे 1 घंटा लेट आई है, यहाँ टाइम था 6:58 पे आने का और आई है आपका 8 बजे, समझ रहे हैं 8 बजे आई है। मुझे लग रहा था काफ़ी पहले चलेगी पर 1 घंटा लेट हो चुकी है। हाँ ये ट्रेन वीक में 2 दिन चलती है आपका, ये सबसे पहले मंगलवार को और दूसरा फ्राइडे को, ठीक है शुक्रवार को, और उधर से चलती है ये बुधवार को, उसके बाद फिर सैटरडे को यानी शनिवार को। चलिए ट्रेन जो है वो 10 मिनट रुकने के बाद निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे। और ये देखो यार आलू है ही नहीं इसमें, देखो यही होता है आलू चॉप खाने से। अपनी डिपार्चर हो चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से, और भाई साहब आलू चौप बेकार था एकदम से, आलू था ही नहीं उसमें, पता नहीं क्या था उसमें। तो इसके बाद जो अगला स्टॉप है वो अपना है गोमो जंक्शन, वो रात में 12:30 बजे टाइमिंग है और 1 घंटा ऑलरेडी लेट चल रही है, यानी 1:30 बजे के समथिंग में अपनी ट्रेन पहुँच जाएगी। चलो तो देखते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपना फाइनली डेस्टिनेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहां पर अपनी ट्रेन पहुंचाई है 12:44 पे, मतलब 11 मिनट के डिले से पहुंचाई है, काफ़ी मैनेज किया। 1 घंटा वहां लेट से पहुंचाई थी आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर, और यहां पे भाई 11 मिनट डिले, मतलब क्या ही खींची है यार। हाँ जहाँ तक की बात की जाए ना, ये लगभग हम लोग 17 घंटे की जर्नी इसमें कर चुके हैं अभी तक, और इन फ्यूचर आगे में इसमें जर्नी और हम करेंगे, ठीक है कोई और कोच में। ये तो यार जल्दी था, मेरे को टिकट, मैंने तत्काल टिकट निकाल रखा था पर वो कंफर्म हुआ नहीं, इसके वजह से मेरे को जनरल में आना पड़ा। इस ट्रेन में आपको पैंट्री कार मिलेंगे, पैंट्री कार में वही आपको खाना पीना मिल जाएगी, वेज थाली, अंडा थाली, चिकन थाली, बिरयानी सब मिलेंगे पर ओवर प्राइस मिलेंगे। तो आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ कि कभी भी अगर आप जर्नी कर रहे हैं ना, एक चीज़ ध्यान दें, अगर आपको खाना खाना है ना तो स्टैंडर्ड वेज मील खाएँ जो कि 80 की मिलती है, ठीक है 80 की आप वेज मील मांगेंगे स्टैंडर्ड वेज मील तो आपको ला करके देंगे, और अगर आप स्टैंडर्ड एक थाली खा रहे हैं ना तो वो भी 90 के मिलेंगे, या 90 की बिरयानी होती है या 90 की थाली होती है, ठीक है तो इस चीज़ पे ध्यान दें। और पानी जो होता है रेल नीर वो 15 का ही आता है, तो ये सब चीज़ पर ध्यान दें, ज़्यादा पैसा मत पे किया कीजिए, अगर कोई बता रहा है ना आपको तो उस चीज़ को मान लिया कीजिए। बहुत सारे लोगों को बताया जाए तो वो मानते ही नहीं है यार, वो कहते हैं 5 रुपया 10 रुपया दे दे कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है पर ये गलत है, ठीक है। और यहाँ तक ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था,
सही रहा भाई, ऐसा जनरल में कहाँ मिलेगा यार, बैठ के आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए मिलते हैं किसी और जर्नी में, और ये जर्नी को ये रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और ये ट्रेन जो है निकल चुकी है, 5 मिनट का होल्ड था यहाँ पर।